हरे कृष्ण बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? तो हमें पता है कि हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अब बहुत ही पास आ चुका है। गर्ल्स का जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च को है और जो बॉय शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च को है। तो अब हमारे पास गर्ल्स के लिए सिर्फ 3 दिन ही बाकी है और बॉयज़ वाले के लिए हमारे पास 4 दिन बाकी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितनी यूनिट आ चुके, मतलब कितने चैप्टर हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ मैटर है, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसी का एक पार्ट है हाइड्रोकार्बन। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास जनरली 3 से 2 मार्क्स में आती है। तो हम यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और उसे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हमारा जो पहला जो यूनिट हमारे पास है, यूनिट 1 और यूनिट 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये टोटल हमारे पास 11 मार्क्स का आता है बच्चों, 11 मार्क्स का। इसमें से जो मेनली जो इसके हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली वो होता है 5 मार्क्स का हमारे पास यूनिट 1 आता है और 6 मार्क्स का हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हम बात इसके ऊपर बात करेंगे, इन दोनों चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हम वही बात करेंगे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो चैप्टर 3 या फिर यूनिट 3 जो हमारे पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, वो 4 मार्क्स में आती है। इसका हमारे पास क्या होगा कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और एक मार्क्स के हमारे पास 2 क्वेश्चन, ऐसा हमारे पास हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूनिट 4 मतलब चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये टोटल मिला के हमारे पास 21 मार्क्स का आता है, जिसमें से सिर्फ 7 मार्क्स का, तो हमारे पास 7 से 9 मार्क्स का हमारे पास थर्मो थर्मो आता है और 5 से 6 मार्क्स का हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास 6 मार्क्स का आता है और बचा हुआ जितना भी हमारे पास बचे हैं मार्क्स वो स्टेट ऑफ मैटर के लिए आता है। तो इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इसमें हमारे पास है वो तो इम्पॉर्टेंट ये है हमारे पास, थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम। किसके रिगार्डिंग? तो फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि मेन टॉपिक हमारे पास थर्मो से ही पूछता है और इक्विलिब्रियम से ही पूछता है। हम अब आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक में, सेकंड बुक में। तो सेकंड बुक में हमारे पास रेडॉक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर 60 मार्क्स होता है, जिसमें से हमारे पास 7 से 9 मार्क्स तक तो पी ब्लॉक ही आता है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 से 5 मार्क्स का आएगा और एक रेडॉक्स हमारे पास 6 से 8 मार्क्स का आता है। अगर बात करूँ यहाँ पे रेडॉक्स में, तो रेडॉक्स में एक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जनरली पूछा जाता है। और उससे बात करूँ हाइड्रोजन एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक का हमारे पास 4 से 5 मार्क्स ही बनता है। अब देखो बच्चों, 70 में से 18 मार्क्स आपके कितने किसके हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी, इनसे ईजी तो केमिस्ट्री है ही नहीं। हाइड्रोकार्बन की अभी हम कंटिन्यू बात करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन के कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो 100% आपके पेपर में आएगी। और जनरली यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से हमारे पास 12 से 14 मार्क्स तक आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और जनरली ये हमारे पास 5 के होते हैं। ठीक, तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो क्वेश्चन पेपर में आपको 100% मिलेगी।